What's up guys, welcome back to my channel. आज हम लोग comparison करने वाले हैं थार डीजल मैनुअल और थार डीजल ऑटोमेटिक की एवरेज का. मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ पीछे है, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मनाली. हाँ, इस पेट्रोल पंप से आप पीछे देख रहे हो, यहाँ से हम लोगों ने फुल टैंक करा लिया है. ऑटो ट्रिप रीडिंग जो है ज़ीरो कर ली है. अभी हम लोगों का जैसे डिसाइड हुआ है ट्रिप ए ज़ीरो करने वाले हम लोग. ये ट्रिप पे मैंने कर दिया है ज़ीरो. ऑटो रीडिंग है 4503 किलोमीटर्स और फ्यूल टैंक करा लिया है फुल. प्लान अभी ये है कि हम दोनों ने अपनी ट्रिप ए की रीडिंग ज़ीरो कर दी है और सेम स्पीड्स पर चलने वाले हैं, सेम डेस्टिनेशन पर जाकर रुकेंगे. तो देखते हैं वहाँ पहुँचते तक हम लोगों की गाड़ी की क्या एवरेज रहती है, कितना फ्यूल हमारी गाड़ी में लगने वाला है. यू कैन सी अभी हम लोग हाईवे पर चल रहे हैं. गाड़ी है मेरी ऑलमोस्ट 95 और 100 के बीच में. 6th गियर है, 2000 RPM से जस्ट थोड़ा सा कम है, अराउंड 1800 RPM है. और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मेरी गाड़ी अभी शो कर रही है 14.6 किलोमीटर. और सेम स्पीड और सेम RPMs पर मेरा फ्रेंड चल रहा है जिसकी डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी है. उसकी अभी फ़िलहाल माइलेज दे रही है अराउंड 15.4 के आसपास. जीपी एक्सप्रेस वे मैं एग्जिट कर चुका हूँ, वहाँ पर मेरी गाड़ी की एवरेज आ रही थी 14.6 के अराउंड. और अभी इसकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी शो कर रहा है 15.4. और मेरी स्पीड ऑलरेडी स्लो हो चुकी है उस हाईवे के कंपैरिजन में. इस हाईवे पर थोड़ा ट्रैफिक आप देख ही रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड पर नहीं हूँ. तो आई थिंक मुझे लगता है कि 95 के अराउंड अगर आप स्पीड पर हो और 6th गियर में हो, RPM आपकी रहती है 1800 के आसपास, तो इसकी जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो 14.5 के अराउंड रहती है. और जैसे ही आपकी RPM थोड़ी सी डाउन आती है अराउंड 1600 के आसपास, स्पीड आपकी रहती है 80 की, तो इसकी एवरेज जो है वो बढ़ जाती है. सो गाइस, नाउ यू कैन सी अभी फ़िलहाल मेरी गाड़ी एवरेज दे रही है 16.6 किलोमीटर पर लीटर की. और AC मैंने आपको दिखा देता हूँ, AC मैंने ऑन किया हुआ है और मीडियम पर सेट किया हुआ है. 4x2 में चल रहा हूँ हाईवे पर, एवरेज जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आर की रख के चल रहा हूँ मैं. इससे ज़्यादा यहाँ चला भी नहीं सकता, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है. तो आई थिंक एवरेज तो बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, 16.6 और 16.6 अभी होगी है 16.7. तो बाकी आगे चल के देखते हैं और इससे भी ज़्यादा एवरेज ये दे सकती है या नहीं दे सकती. 17 किलोमीटर पर आवर अभी तक की हाईएस्ट एवरेज दी है गाड़ी ने. और हम लोग अपने घर से आई थिंक 250 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं. 17 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड एवरेज, वेरी गुड. Average fuel efficiency that I'm carrying in my car, really really good. So guys, मेरी गाड़ी की एवरेज आपने देख ही ली है. अब मैं आपको दिनेश की गाड़ी की एवरेज दिखाता हूँ. इसके पास में थार ऑटोमेटिक डीजल है. ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ में है.